नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेल्स पेल्सी यानी फेशियल पैरालिसिस के बारे में कि अगर आपको बेल्स पेल्सी या फेशियल पैरालिसिस हुआ है तो उसमें आप अपनी इम्प्रूवमेंट को किस तरह से ट्रैक कर सकते हो। फेशियल पैरालिसिस एक ऐसी दिक्कत है जिसके अंदर पेशेंट की बोलने की, सही से बोलने की, खाना खाने की काबिलियत चली जाती है। बोलने में थोड़ी सी दिक्कत, आँख में थोड़ा सा पानी, फेस टेढ़ा होना, मुँह में हवा ना भर पाना, आईब्रोज को ना उठा पाना, ये कॉमन सी दिक्कत होती है जो कि देखने में अच्छी नहीं लगती। मैक्सिमम केसेस जो फेशियल पैरालिसिस के होते हैं वो फर्स्ट मंथ में अपने आप ठीक हो जाते हैं, चाहे आप उसकी मेडिसिन लो या ना लो, क्योंकि इसके पीछे कारण माना जाता है एक छोटे से वायरस का जिसका नाम है हर्पीस ज़ोस्टर। अब वायरस के साथ सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी वो आएगा बॉडी में, कुछ टाइम वो बढ़ेगा और अपने आप ही मर जाएगा। जैसे हमने देखा कोरोना वायरस के साथ कि वो बॉडी में आता है, कुछ दिन आपको बीमार करता है, अपने आप मरता है और बीमारी चली जाती है। मगर जिस तरह से कोविड के केसेस के अंदर 3% पेशेंट वो थे जिनको सीवियर सिम्टम आते थे, इसी तरह से फेशियल पैरालिसिस के अंदर आने वाले हर्पीस ज़ोस्टर की वायरस की वजह से भी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये बीमारी लंबी रह जाती है। उनका पूरा महीना बीत जाने के बाद भी उनके अंदर कंप्लीट इम्प्रूवमेंट नहीं आती, कुछ ना कुछ रह जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हर्पीस ज़ोस्टर जब हमारे वायरस पे अटैक कर रहा होता है, फेशियल नर्व पे जब अटैक कर रहा होता है तो वहाँ पे कुछ परमानेंट डैमेज छोड़ जाता है। जब हम इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हमें उसकी इम्प्रूवमेंट को ट्रैक करना पड़ता है। तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ पैरामीटर्स, उसको आप ध्यान से समझिएगा और उसे अप्लाई करके देखिएगा। अब आपने करना क्या होता है, आपने स्माइल करना होता है। स्माइल कैसे करना होता है कि आपके सारे के सारे आगे के दांत नज़र आएँ। अब आपने स्माइल किया तो आपके स्क्रीन पे एक छोटी सी एक इमेज आ रही है, तो उसमें आप देख रहे हैं कि पेशेंट को लेफ्ट साइड पे पैरालिसिस हुआ है, तो उसके उस साइड के जो दांत हैं, मिड लाइन से उस तरफ के जो दांत हैं वो कम नज़र आ रहे हैं, वो सिर्फ दो दांत नज़र आ रहे हैं। जबकि जो उसकी हेल्दी साइड है, राइट साइड में अगर हम देखें तो उसके चार दांत नज़र आ रहे हैं, यानी एक तरफ चार, एक तरफ दो, राइट। तो जब किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू होता है जहाँ पे पहले इसके दो दांत नज़र आ रहे थे, अगले महीने अगर वो अपने तीन दांत देख पा रहा है, ढाई दांत देख पा रहा है, तो हम उसे कह सकते हैं कि पेशेंट के फेस में चेंजेस आ रहे हैं, पेशेंट की फेस की मसल्स की मूवमेंट पहले से बेटर होनी शुरू हुई। तो ये पहला पैरामीटर होता है जिस पे हम जज करते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद आपके फेस पे कितने चेंजेस आए। दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है वो है आईब्रोज में। जैसे मैं अपनी आईब्रोज उठाता हूँ तो आपको मेरे माथे पे सिल्वर नज़र आ रही होगी, ये एक सीधी लाइनों की तरह हमें नज़र आता है, किसी की दो बनती है, किसी की तीन बनती हैं। मगर फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर क्या होता है, ये जो लाइन्स हैं, सिल्वटें हैं, आधी बनती है, आधे पर नहीं होती। अगर मेरे लेफ्ट साइड पैरालिसिस हुआ है तो लेफ्ट साइड वो नहीं होंगी, बिल्कुल सिल्वटें नहीं आएंगी, सिर्फ राइट साइड बनेंगी। अगर आपकी ये सिलवटे, ये लाइन दूसरी तरफ भी आनी शुरू हो जाए, आईब्रोज उठनी शुरू हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि आपके अंदर, आपके फेशियल मसल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही हैं। तो ये दो बड़े पैरामीटर होते हैं जिनको देखकर आप जज कर सकते हो कि आपकी फेस में चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि इसको जज करने का कोई और दूसरा तरीका नहीं होता। कोई भी बीमारी होती है तो उसके लिए हम ब्लड के टेस्ट करवा लेते हैं, सीटी स्कैन करवा लेते हैं, एमआरआई करवा लेते हैं, मगर फेशियल पैरालिसिस पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही, उसको जज करने का तरीका इन्हीं दो बड़े पैरामीटर्स पर होता है। अगर आपको इनमें चेंजेस नज़र आ रहे हैं, दांत ज़्यादा गिन पा रहे हो, आपको लाइनें पहले से ज़्यादा लंबी नज़र आ रही है, तो आपके फेस के अंदर चेंजेस चल रहे हैं। तो आप एक छोटा सा काम करो आज, अगर आपको फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट हो तो आप अपनी खूब सारी फ़ोटोज़ लो, कैसे, मुँह फुलाते हुए, आईब्रोज को उठाते हुए, नाक को फुलाते हुए, आइस को बंद करते हुए, तो इतनी सारी फोटोज जब आपके पास हो जाएंगी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, राइट, कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो आपने पहले ले लिए, उसके बाद जब आप कुछ टाइम के बाद 20 दिन बाद, 25 दिन के बाद दोबारा से सेम पोज में फोटोज लोगे तो दोनों फोटोज को साथ साथ देख पाओगे। तो इससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है एक फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट में कितनी इम्प्रूवमेंट आई उसको ट्रैक करने में। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 97% फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट अपने आप ठीक हो जाते हैं, सिर्फ 3% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये बीमारी लंबी रह जाती है। उन पेशेंट के लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि जब आपको ये इनिशियली हुआ है पहले महीने के अंदर, कोई भी डॉक्टर इसको एंटीवायरल मेडिसिन और थोड़े से स्टेरॉयड के साथ बहुत आराम से कंट्रोल कर लेता है, ठीक कर देता है। मगर जिन 3% पेशेंट के अंदर ये दिक्कत रह जाती है, वहाँ पर बाद में एंटीवायरल मेडिसिन देने से, स्टेरॉयड देने से भी
कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते। अब इन 3% पेशेंट के अंदर हमें क्या करना पड़ता है उसे समझने की ज़रूरत है। जब वायरस आपकी बॉडी में आया था, फेशियल नर्व को उसने डैमेज किया, तो आपकी जो डैमेज हुई है नर्व वो वीक हो गई है, वो काम नहीं कर पा रही, इसलिए आप अपनी फेशियल नर्व को मूव नहीं कर पा रहे, जबकि वायरस तो बहुत पहले ही जा चुका है बट वो पीछे काफ़ी सारा नुकसान छोड़ गया है। इसको रिकवरी करने के लिए हमें नर्व के एंगल से सोचना पड़ता है, क्योंकि डैमेज वहीं पर हुआ है, नर्व नहीं हमारी फेस की मसल्स को चलाना है, तो हमें नर्व को स्ट्रेंथन अप करना पड़ता है, ताकत देनी पड़ती है। अगर हमारे नर्व को ताकत मिलनी शुरू हो जाती है तो क्या होता है कि हमारी दोबारा से फेस की मसल्स मूव करना शुरू हो जाती है, हमारी स्माइल अच्छी होनी शुरू हो जाती है, हमारी आईब्रोज मूव होना शुरू कर जाती है, हमारी आईज पूरी बंद होनी शुरू हो जाती है। कब? जब हमारी जो नर्व है उसको ताकत मिले। इसके लिए हमें कुछ मेडिसिन का यूज़ करना पड़ता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा आयुर्वेदिक मेडिसिन का हेल्प लेना पड़ता है। जब हम इसका हेल्प लेते हैं, सही से एक्सरसाइज करते हैं, तो हम इसमें चेंजेस देख पाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट से मिले और उनके अंदर जो चेंजेस हुए उसको देखेंगे, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि अगर आपका फेशियल पैरालिसिस पुराना भी है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा बीमारी को समझकर उस पर काम करने की ज़रूरत है। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मानक लाल जी को 10 साल पहले फेस का पैरालिसिस हुआ था, जिसे बेल पैल्सी भी कहा जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मानिक लाल जी से मिले और जाने कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या फेस किया इस फेस के पैरालिसिस से। तो मानिक लाल जी, ये आपको कब हुआ था? ये 10 साल पहले हुआ था। 10 साल पहले हुआ था, तो उस टाइम स्थिति क्या थी, क्या काम करते थे उस टाइम में? उस टाइम में पढ़ता था गाँव में। अच्छा, अचानक से हो गया था, तो कैसे, मतलब एकदम कैसे, क्या देखने को मिला था आपको? अचानक एक पहले तो मेरा कान दर्द हुआ। अच्छा। और सोने से ये मेरी आँख बंद नहीं होती थी, खुली रहती थी, और खाना भी नहीं खा पाते थे, और पानी भी पीते थे तो गिर जाता था, और ये पूरा मतलब बंद नहीं होता, ऐसे लटका रहता था। और फिर 10 साल में कहाँ कहाँ इलाज करवाया आपने? मैं 3 महीने तो गांव में करवाया था बस आयुर्वेदिक दवाई, फिर अंग्रेजी वाली 2 महीने करवाया था, जिसमें 2 महीने फिजियोथेरेपी भी करवाई थी, फिर उसके बाद यहाँ आ गए दिल्ली में। अच्छा, तो दिल्ली आके इलाज नहीं लिया? नहीं, यहाँ पे लिया था, 3-4 महीने करवाया था बैच। अच्छा, फिर कोई आराम मिला? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं मिला। तो 10 साल पुराने में आपने काफ़ी कुछ सहा होगा अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो जब फेस का अक्सर लग पा होता है तो ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको शर्मिंदगी में महसूस करनी पड़ती है, मतलब क्या ज़िंदगी बदल गई थी उसके बाद? उस टाइम से मैं सबके साथ हंस बोल नहीं पाता था। अच्छा। सबके बीच में खड़े होके फिर वहाँ से अलग चले जाते थे, जहाँ 10 आदमी इकट्ठा होते वहाँ से अलग ही चले जाते, क्योंकि हंसने से ना मेरी ये कहाँ की ये बंद हो जाती। अच्छा। हंसने से, उसके पहले नहीं बंद। तो लोगों ने कुछ कहा भी? मेरे सामने तो नहीं कहते थे, लेकिन पीठ पीछे कहते थे कि काना है, मुँह टेढ़ा है, ये सब। अच्छा, तो शादी हो गई आपकी? हाँ जी, हो गई। तो शादी में कोई दिक्कत महसूस हुई थी? नहीं, वहाँ पे तो इतना गौर नहीं किया था, क्योंकि वहाँ सीधे सारे। अच्छा, ठीक है। और बच्चे हैं आपके? हाँ जी, 2 बच्चे। अब साइंस इंजीनियरिंग में कितना टाइम हुआ दवाई लेते? 1 महीना हो गया। और 1 महीने में जिंदगी कैसे बदल गई? 1 महीने में जिंदगी तो बदल ही गई, क्योंकि अब सबके साथ बैठ के बातें भी कर सकते हैं। अच्छा। हंस बोल भी सकते हैं। और कॉन्फिडेंस आया वापस? हाँ जी। अच्छा लगता है खुद को? एक महीने के अंदर जो 10 साल पुराना लकवा था वो खत्म हो गया। हाँ जी। तो आप कॉन्फिडेंस फील करते हो? हाँ जी, कॉन्फिडेंस फील करता हूँ जब तो यहाँ दवाई लेने। काम में क्या बदलाव हुआ? काम में कोई बदलाव आया? काम में तो बदलाव है ही है, इतने सारे लोग आपके नीचे काम करते हैं। हाँ। सिलाई वाले काम करते हैं। हाँ, उनमें अब आया कि होल्ड? उन्हें तो पता नहीं है, क्योंकि वो भी बोल नहीं पाते कि दवाई ला रहे हो कि नहीं, लेकिन फर्क है उनको भी दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है उनको। हाँ। अगर एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस होता तो सामने वाले को आप यू नो बात कर लेते हो उससे, झिझकते नहीं हो, तो वो फील हो रही है आपको अपने अंदर? हाँ, क्योंकि पहले तो बात भी नहीं करता, वैसे पैसे लेने के लिए खाली जाते थे। अच्छा। मालिक से बात भी नहीं करते, वैसे बात हो जाती है आप तो। अच्छा। हाँ। अब अपनी बात सामने रखने में दिक्कत नहीं होती होगी? अब मालिक को भी कह सकते? पहले मालिक से फेस टू फेस नहीं बात करते थे। अच्छा। एक तरफ जाके जब भी बोलते थे। अच्छा। क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते थे। अच्छा, तो आवाज भी तो साफ, आवाज तो साफ थी? साफ। हाँ, इतना नहीं साफ थी कि एक दो बारी जरूर बोलना पड़ता किसी बात को। अब तो नहीं है ऐसी दिक्कत? तो 1 महीने में आवाज भी सुधर गई और फेस भी सीधा हो गया सारा का सारा। ठीक है। तो बाकी जो आपके जैसे भाई बहन होते हैं जो दुनिया के दूसरे दूसरे कोनों में बैठे हुए हैं, उनको कुछ कहना चाहोगे?
मैं तो यही कहूँगा कि जिंदगी जैसे परेशान होके अगर परेशान है तो यहाँ से दवाई लें ठीक। अच्छा अच्छा, परहेज से कह दिया आपने, परहेज तो काफ़ी है, बता दो कोई बात नहीं, जितना परहेज है सारा बता दो। ये खट्टाई अचार और ये खट्टाई अचार मिठाइयाँ भी है। अच्छा, मिठाई अरहर की दाल, चावल, टमाटर, ढेर सारे। एक बार ना फेस अपना आई ऊपर करो, दूसरी भी करने की कोशिश करो, हंसो। अच्छा, और एक बार ऐसे भौवे ऊपर चढ़ाओ दोबारा से, ठीक है। एक बार मुंह टेढ़ा करो, इस तरफ उस तरफ करो, हाँ ठीक है। और पानी पीते, पानी पीने में दिक्कत तो नहीं? अब पानी पीने में नहीं दिक्कत है। खाना खाने में कोई दिक्कत होती है? अब नहीं दिक्कत, पहले तो इधर से खा नहीं पाते थे, इधर खाते थे फंस जाता था। फंस जाता था, हाँ। और क्या दिक्कत महसूस कर रहे थे उस टाइम में? उस टाइम तो पहले तो सबसे ज़्यादा दिक्कत थी ये आँख बंद नहीं होती थी, सोने से पानी निकलता था, जैसे सो जाते ना पानी निकलता रहता था, लेकिन अब नहीं। अच्छा, तो आपने अंग्रेजी जब इलाज करवाया था तो डॉक्टर ने क्या बोला था, क्या हुआ था वहाँ पे? बोला कुछ नहीं था, खाली वो दवाई लिखे थे। अच्छा, हाँ दवाई लिखे थे और फिजियोथेरेपी कराने के लिए लिखे थे। कितना टाइम चला? 3 महीने चला। 3 महीने, 3 महीने में 3% का भी आराम आया? नहीं नहीं आया। जो वैद्य का वैद्य याद है, वैद्य ने क्या दिया था? वैद्य पाउडर देते सफ़ेद, उसमें कुछ था नहीं, दिखा नहीं। दिखा नहीं, क्या कहते थे कि अब ठीक, कब तक ठीक हो जाएगा? वो तो खाली यही बोलते थे, हाँ फर्क पड़ रहा है। 3-4 महीने खाया था दवाई और आराम नहीं आ रहा था। नहीं। चलो, बच्चे कुछ कहते हैं आपकी जिंदगी में? बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे, बच्चे क्या बोलते हैं? पापा ठीक हो गए, कुछ बोलते हैं? वो हाँ बोलते हैं कि पहले से फर्क है, पहले से फर्क। और वाइफ क्या बोलती है? वो भी बोल रही थी कि हाँ कल दवाई लाना, वहाँ से आराम मिल जाए। अच्छा।